हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से एक बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बैरागढ़ से सनवाल के लिए एक गाड़ी जा रही थी, जिसमें 11 लोग सवार थे। उनमें से 9 लोग पुलिस के जवान थे, जो बैरागढ़ से सनवाल की ओर जा रहे थे। तभी तरवाई के पास अचानक गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी गहरे नाले में जा गिरी। वही घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस दल मौके के लिए रवाना हुआ और पूरी घटनाक्रम की जांच की। हालांकि सभी 11 लोगों को नाले से निकाल लिया गया है, जिसमें 7 लोग मृत पाए गए हैं, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर किया गया है। वहीं दूसरी ओर चुराह के बीजेपी विधायक हंसराज ने घटनास्थल का जायजा लिया और लोगों से बात की। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही से ये हादसा हुआ है और कई लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले में जल्द कोई कार्रवाई करनी चाहिए और उच्च स्तरीय जांच भी इस पूरे मामले की होनी चाहिए। आज सुबह जो है वो 9:15 बजे चंबा बैरागढ़ जो रोड है हमारी, ये तरवाई के पास एक पहाड़ है, जो हमने अग्रिम में पीडब्ल्यूडी को सूचना दी थी। 3 महीने पहले जो है वो हमने रुकवाई थी ये सारी चीज़ें, लेकिन एक्सिन पीडब्ल्यूडी और प्रशासन की लापरवाही के कारण जो है ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। मौजूदा सरकार ने जो है वो बार बार हमने आग्रह करने के बाद जो है वो यहाँ इस पहाड़ को नहीं काटा और आज हमने पुलिस के जवानों को खोया है और साथ में एक लोकल व्यक्ति को भी खोया है, 2 लोगों को। तो मेरा सिर्फ इतना ही है कि इस पे FIR जो है वो एक्सिन पे हो और सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो एक्सिन की बनती है, ये क्योंकि हमने 3 महीने पहले कहा था कि इस रोड को बंद भी करवाया था, 3 दिन लगातार हमने काम भी चलवाया, लेकिन एक्सिन ने फिर लापरवाही बरती है और आज जो है वो ये हादसा हमें 9:15 बजे जो है वो देखने को मिला है। हम तो उच्च स्तरीय जांच की भी मांग कर रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंबा से मंजूर पठान की रिपोर्ट।